कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में आटा रखा रहता है तो हम इस सब्जी के साथ पूड़ियाँ भी बना के तैयार कर लेते हैं। सावित्री की रसोई में गर्मा गर्म पूड़ियाँ और बैंगन की सब्जी बनके रेडी हो गई है। आज सावित्री की रसोई में बनेंगे बैंगन। मैंने ये 5 से 6 बैंगन लिए हैं, छोटी साइज की 3 प्याज हैं, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने छील लिया है, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ हैं। तो इन सबको हमें बारीक बारीक चॉप करना है। और बैंगन मुझे कैसे काटने हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमने लहसुन और अदरक इसमें कर लिया, हम इसे क्रश कर देंगे, इसको इसमें क्रश कर लेंगे। और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि हमें बैंगन कैसे काटने हैं। तो बैंगन का सबसे पहले हमने ये निकाल दिया पार्ट, ऊपर वाला। इसको निकालने के बाद हम बैंगन को ऐसा कर, ज़्यादा बड़े बैंगन हो तो आप इनके 2 पीस कर सकते हैं बीच से, और नहीं छोटी साइज के हो तो आप इसी तरह से काट लें। और जैसे ये बैंगन है हमें ज़्यादा बड़ा लग रहा, तो हम क्या करेंगे इससे पतला तो करेंगे ही करेंगे, पर बीच से इसके पीस कर देंगे। तो देखिए मैंने कुछ बैंगन काटे हैं इस तरह से, मैं बाकी बैंगन वो भी काट लूँगी। और ये मैंने प्याज काट लिया है, अदरक लहसुन इसको हमें चॉप करना बाकी है। देखिए बैंगन मैंने पूरे ही काट लिए हैं, और हमने लहसुन और अदरक क्रिस कर लिया है। आप चाहे तो चॉप कर लें या क्रिस कर लें। इधर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, लोहे की कढ़ाई में यदि हम बैंगन बनाते हैं, बैंगन की सब्जी हो या फिर कद्दू, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। हम बना तो किसी में भी सकते हैं। और ये मैंने इसमें तेल डाल दिया है, ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। यदि आपको पसंद ना हो तो आप जो डेली यूज करते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इस उसकी सब्जी बना सकते हैं। बैंगन लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा टेस्ट देते हैं। अब इसको हम गरम होने देते हैं। देखिए ये तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मेथी दाना। ये मैंने मेथी दाना डाल दिया है, और हम डाल देंगे सौंफ। और ये मैंने कुछ तिल लिया है, सर्दियाँ हैं, आप तिल की बैंगन बनाएंगे ना तिल डाल के, तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, तो मैंने ये प्याज लिया है, देखिए तो हम प्याज डाल देंगे। अदरक लहसुन जो मैंने क्रश करके रखे हैं वो अभी नहीं, प्याज जब भून जाएगा उसके बाद हम डालेंगे प्याज। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, मेथी दाना डाला है पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे, बढ़िया से सिल जाएगा। तो अब हम प्याज को इसका कलर चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट होने तक इसे हम इस तेल में सेक लेंगे। एक ही कटोरी, तो इसमें हमारे पास जो ड्राई मसाला होता है ना वो हम तैयार करेंगे। तो मैंने इसमें सबसे पहले धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल दिया है, और इसमें डालेंगे, मैंने हरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। आप जितना तीखा पसंद करते हो आप उसी हिसाब से इसमें डालें। और हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच लिया है, इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे हम घोल देते हैं पानी डाल के, ताकि अच्छे से फूल जाए। अभी मैंने इसमें अमचूर पाउडर या टमाटर भी नहीं काटे हैं, और अमचूर पाउडर भी अभी इसमें नहीं डाला है, वो मैं आपको कब डालूँगी आपको मैं बाद में दिखाऊँगी। और लीजिए हमें ये मसाला तैयार कर लिया है, तो मसाला हमारा रेडी हो गया। मसाला पहले से हम घोल के रख देते हैं ताकि एक्टिव हो जाए, फूल जाए। तो देखिए हमारा मसाला ही रेडी हो चुका है। इधर प्याज भी हो गया है, तो इसमें हम लहसुन और अदरक डाल देंगे। बढ़िया प्याज हो गया है, बस 2 मिनट के लिए हम लहसुन और अदरक भून लेंगे ताकि ये कच्ची ना रहे। अब हम डाल देंगे ये भुना हुआ मसाला,
थोड़ा सा पानी डाल के कटोरी डाल के मैंने वो भी डाल दी। अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। उससे पहले हमें हम डालेंगे इसमें एक चम्मच चिली फ्लेक्स, इसका कुछ अलग ही प्रोसेस होता है। तो अब हम मसाला भून लेते हैं। देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है, तो इसमें हम एक बैगन डाल दें। नमक मैंने पहले ही डाल लिया स्वाद के अनुसार। अब हम गैस स्लो करके और इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। बैगन हमें ऐसे भूनना है सब, और अभी हम इन्हें ढकेंगे नहीं, पूरे बैगन मसाले में लुप्त हो जाने चाहिए। देखिए बैगन ये बढ़िया से मसाले में हो चुके हैं, तो अब इनको हम ढक देंगे स्लो आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में। इन्हें भाप में ही हमें पकाना है। अभी मैं ना इसमें टमाटर डाले हैं और ना ही अमचूर पाउडर डाला है। अब इसे हम ढक देंगे और हमने स्लो आंच में पका लें। इसे हम बीच बीच में देखते रहते हैं। देख बस इसमें अब हमें अमचूर पाउडर डालना है। ये पक चुके हैं। आपको टमाटर डालना हो तो जब हमने मसाला भूंजा था उस टाइम आप टमाटर इसमें डाल सकते थे, या फिर इस तरह से बीच में ऐसी जगह बना के आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं। हमें इसमें अमचूर पाउडर हम डालने हैं। अमचूर पाउडर डालेंगे एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, और आपको टमाटर नहीं है पसंद, अमचूर पाउडर भी आपके घर नहीं है, तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसे हम ढक देंगे ताकि जो हमने अमचूर पाउडर डाला हो उसका टेस्ट सब्जी के अंदर हो जाए। अब हम देखते हैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं और बैगन में अच्छे से टेस्ट भी आ चुका है। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। डाल दें हरा धनिया डालने से ही सब्जी में खुशबू बढ़ती है। नीचे हमारी बैगन की सब्जी तैयार हो गई है। गैस को हम ऑफ कर दिया है मैंने। आप इसे अब पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, जिसके भी साथ खाना चाहते हैं तो आप इसे खा सकते हैं। नमस्कार, सावित्री की रसोई में आज बनेगी मसाला बैगन की सब्जी। अब हम लगाते हैं प्लेट। हमारे यहाँ छोटी मोटी कोई पार्टी हो या कोई त्यौहार हो तो हम उसमें ऐसे सूखे बैगन की सब्जी बना लें, या कोई हमारे घर में आया हो और उसके साथ गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ। सुन लीजिए, हमारे घर में मेहमान आते हैं उनको इस तरह से हम पूड़ियाँ और बैगन की सब्जी खिलाएंगे ना, तो मेहमान भी खुश और हम भी खुश। आप ऑफिस जाते हैं अपने लंच बॉक्स में रख लें, या बच्चों के लंच बॉक्स में, और ये ख़राब भी नहीं होगी क्योंकि सूखी है। मसाला बैगन बन के रेडी हो गए हैं। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।